सब्सक्राइब करिए विक्ट्री लैब को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए कमाल के साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है जीआरसी और दोस्त आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीईसी बिलासपुर के बारे में। जीईसी बिलासपुर यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। आप सीजीपीईटी में जो आपका स्कोर कार्ड मिलता है उसके बाद आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कॉलेज में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा ही इनडेप्थ में मैं बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ तक ये भी बता दूंगा कि अगर आप हॉस्टल में रहने वाले हो तो आपके हॉस्टल में कितने फ्रिज हैं, कितने यहाँ पर आर ओ यूवी फिल्टर्स लगे हैं, कितने यहाँ पर टेलीविजन है, और आपको एक कबर्ड दिया जाता है। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। प्लेसमेंट तो और स्टूडेंट्स फैकल्टीज वो सब तो कॉमन चीज़ है, वो सब तो करेंगे ही। इनफैक्ट ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये जो पेपर है, मैं जनरली पेपर लेके नहीं खड़ा होता हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन, मैं नहीं चाहता कि एक भी इन्फॉर्मेशन स्किप हो। तो जनरली कंटेंट मैं जब आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ तो एक बार मैं जब देख लेता हूँ तो वो दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन ये क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मैं नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट स्किप हो। तो चलिए अब मैं आपके सामने ही पढ़ूंगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो चालू करते हैं हॉस्टल से। देखो जो हॉस्टल है वो फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट हॉस्टल है और सेकंड थर्ड और फाइनल ईयर के लिए अलग हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर के लिए दो हॉस्टल्स यहाँ पर रखे गए हैं। फर्स्ट ईयर में दो हॉस्टल्स हैं, एक हॉस्टल का नाम है यहाँ पर पंचशील और दूसरा जो हॉस्टल है वी नारायण, और दोनों हॉस्टल में 50 से 60 सीट्स अराउंड है, ठीक है। और अब बात करते हैं फाइनल ईयर, मतलब सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर, इन तीनों सालों के लिए, इन तीनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन हॉस्टल है जिसका नाम है अमरकंटक। और इस अमरकंटक हॉस्टल में टोटल 100 सीट्स हैं जिसको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो, 30 से 35 हर ईयर की है, तो टोटल 100 सीट्स हैं। और इस अमरकंटक हॉस्टल में उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलता है फर्स्ट ईयर के या जो सेकेंड ईयर के बाद जो कंटिन्यू करते हैं उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जो टॉपर्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, ऐसा कुछ है। तो आप अगर अमरकंटक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ये जनरल कहानी है ऐसे, ठीक है। अब हॉस्टल के बारे में बात करते हैं एक एक चीज़। देखो गणेश चतुर्थी हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, ये लोग फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं जीईसी बिलासपुर में, तो ये माहौल आपको मिलेगा। उसके बाद हॉस्टल डे भी सेलिब्रेट करते हैं, साथ साथ में स्पोर्ट्स डे। तो देखो स्पोर्ट्स डे में क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जब खेलते हैं ना, तो जो सबकी बॉल हो, बैट हो या फुटबॉल हो, उसकी फंडिंग भी कॉलेज करती है, तो ये बात आपको बढ़िया लगेगी। जिम भी है हॉस्टल में और वो हमारे कॉलेज में भी है बीआईटी दुर्ग में, लेकिन ये बात तो हो रही है जीईसी बिलासपुर की, तो यहाँ पर आपको हॉस्टल में जिम तो मिलेगा। साथ में देखो एक टीवी रूम है, उसमें कॉमन टीवी लगा है, फ्लैट टीवी है, अभी की कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने जैसा मुझे बताया कि कॉमन टेलीविजन है, फ्लैट टेलीविजन है और एलईडी है, वो लाइट एमिटिंग डायोड, ओलेड भी नहीं है, एलसीडी भी नहीं है, क्यूएलईडी भी नहीं है, एलईडी टीवी है बस, ठीक है। क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड इतना दिमाग मत लगाना, नॉर्मल एलईडी टीवी है। उसके बाद यहाँ पर हाँ एक रूम है जिसको आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, वहाँ पर हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी, हर टाइम लाइट जलते रहती है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कभी कभी अगर लाइट चले जाए तो उस रूम में स्टूडेंट जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन लाइट जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है जीईसी बिलासपुर में, जैसा मेरे कई फ्रेंड से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उस बेसिस पर बता रहा हूँ। मेस का खाना ठीक ठाक है, बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, गुड है, डिसेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेस के जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता है एक साल के लिए, उनको उनके साथ अगर आप डिस्कस करो कि अगर आपको कोई कमी दिख रही हो तो वो डिस्कस वो करके वो पूरी कर देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद एक टेरिस है, उसके बाद साथ में देखो हर स्टूडेंट के लिए कबर्ड है, बहुत बड़ा सा ही कबर्ड है जिसमें आप अपने सारे सामान वगैरह रख सकते हो, और हर स्टूडेंट को एक टेबल, एक चेयर वगैरह सारा कुछ दिया जाता है, बेड वगैरह। लेकिन हाँ जो कपड़े होते हैं या गद्दे बेड में बिछाने के लिए वो स्टूडेंट को खुद ही लाने पड़ते हैं। उसके बाद जो हॉस्टल है वो कॉलेज के बहुत करीब है, तो ये एक एडवांटेज मिलेगा आपको। उसके बाद क्या एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट स्टूडेंट ही बनाते हैं, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हॉस्टल हो, तो उसमें टोटली स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स कैसे हैं उन सब के बारे में अपन काफ़ी डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसी कुछ कहानी है। अब देखो स्टूडेंट्स पे आते हैं, यहाँ पर क्या है कि कौन स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जीईसी बिलासपुर में, जनरल कैटेगरी के वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनकी थोड़ा सा इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा सा वीक हो, या फिर मुझे सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना है ये मेंटालिटी हो,
या फिर घर के पास रह के पढ़ना है, ये तीन चार ही केसेस हैं। और फीस देखो, CSVTU में हम जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो 36 या 37 थाउजेंड फीस देते हैं हर सेमेस्टर की, लेकिन जनरल कैटेगरी की यहाँ पर शायद 9,000 कुछ फीस है पर सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर की सिर्फ और सिर्फ 72,000 में आपकी इंजीनियरिंग होती है जनरल की, और ओबीसी, माफ करिए ओबीसी तो नहीं, SC ST की तो फ्री ही होती है। तो ये फी का एडवांटेज काफी ज्यादा आपको मिलता है अगर आप स्टूडेंट हो SC ST के, और जनरल के भी हो तो काफी ज्यादा आपको मिलेगा। तो मेरिटोरियस स्टूडेंट भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पर सीट्स GEC बिलासपुर की तो फुल होती है। देखो BIT दुर्ग की सीट्स फुल होती है इंजीनियरिंग में, और अभी करंट सिनेरियो में, और GEC की भी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो ही जाती है, और बाकी सारे कॉलेजेस में कुछ कुछ सीट्स छूट जाती है अच्छी खासी गिनती में, लेकिन GEC की भी सीट्स ऑलमोस्ट आपको फुल होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि फैकल्टीज कैसी है। देखो सिविल और मैकेनिकल की फैकल्टीज दे आर अमेजिंग, बहुत बढ़िया फैकल्टीज है। और अभी क्या हो रहा है पता है कि टेक्विप TEQIP टेक्विप 3 के तहत क्या हो रहा है कि रिक्रूट किया जा रहा है फैकल्टीज को। टेक्विप क्या है, फुल फॉर्म है शायद टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, इस टाइप का टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 3 के तहत क्या हो रहा है कि फैकल्टीज रिक्रूट कर रहे हैं लोग। तो ये इनके सरकारी कॉलेज में भी चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है बहुत सारी फैकल्टीज IITs की या MTech करके सारी जो फैकल्टीज है, या फिर कोई अच्छे NITs से या कोई अच्छी जगह से फैकल्टीज यहाँ पर आ रही है। तो ये बढ़िया एडवांटेज आपको GEC बिलासपुर में अभी देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ है, मैकेनिकल और सिविल की फैकल्टी बहुत अच्छी है। CS और IT में अभी प्रेजेंट में उतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको मैकेनिकल और सिविल में देखने को मिलेगी, लेकिन फैकल्टी CS और IT में भी ठीक है, लेकिन परमानेंट फैकल्टीज थोड़ी सी कम है रिलेटिवली। और माइनिंग में भी सेम किस्सा हो रहा है। अब बात करते हैं कॉलेज में और क्या क्या फीचर्स है। NBA एक्रेडिटेड है कॉलेज, इसका मतलब क्या है कि क्या होता है कि जो AICTE है वो क्या करती है कि कॉलेजेस को चेक करती है एट रेगुलर इंटरवल्स कि कॉलेज जो नॉर्म्स है, मतलब ये कॉलेज है, ये जो कॉलेज है क्या ये अच्छे से रन कर रहा है कि नहीं। तो उसमें इनको एक्रेडिटेशन मिला है, ए ग्रेड मिला है, आप इस तरीके से कह सकते हो 2 साल के लिए अराउंड। तो ये कॉलेज अभी अच्छी गति में इम्प्रूव कर रही है, ऐसा कुछ है। हाँ, और माइनिंग से भी गेट में अच्छे खासे रिजल्ट इस बार आए हैं रिसेंटली, मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं, और ब्रांचेस में भी, मेरे सारे ब्रांचेस में जनरली कुछ ना कुछ जान पहचान तो है ही, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, एडवांटेजेस और आपको ये मिलेंगे कि ट्रेनिंग के लिए, जब आप 4th सेमेस्टर के बाद या 6th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग करते हो ना, तो क्या करती है कि इनकी कॉलेज, मैं बाकी कॉलेजेस की बात नहीं करूंगा और अपनी BIT की भी बात नहीं करूंगा, इनकी कॉलेज क्या करती है स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए ढूंढ के देती है कि वो कहाँ से ट्रेनिंग कर सके, एफर्ट अच्छा खासा लगाती है कॉलेज ट्रेनिंग के लिए। तो ये एक अच्छी बात है इनके लिए। हाँ, और सारे क्लासेस यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि जो सारे क्लासेस है वहाँ पर स्मार्ट क्लास है। तो ऐसा कुछ कहानी है। प्लेसमेंट्स करेंट सिनेरियो में इनके उतने खास नहीं है, मैं सीधा सीधा बता दूँ, लेकिन प्लेसमेंट की कोशिश कॉलेज अभी करेंट सिनेरियो में काफ़ी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन एवरेज पैकेज वही है हर जगह का, जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में बताया है आपको, 3.5 लाख 3 लाख इस टाइप का कुछ, लेकिन प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं टेक फेस्ट की। टेक फेस्ट इनका जो है उसको बोलते हैं कौशलम, उसमें क्या रहता है 3 दिन का वो टेक फेस्ट रहता है, 2 दिन टेक्निकल डे रहेगा और 1 दिन कल्चरल इवेंट होगा। लेकिन टेक फेस्ट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए क्या होता है इनके कॉलेज में, आपको कॉलेज को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देके रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए टेक फेस्ट में। ये एक छोटा छोटा सा ड्रॉबैक है, नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। और इनके कॉलेज में मैंने ये भी सुना है, क्योंकि इतना कुछ मैंने बताया तो शायद रिलायबल भरोसे लायक सोर्सेस से ही सुना होगा, तो कुछ पॉइंट ये भी है कि आपको कॉलेज से, जैसे मैंने हमारे BIT का बताया था कि कॉलेज आपको सामने से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आप कॉलेज के पास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, लेकिन इनके कॉलेज में वो हेल्प थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखा रहे हो, कॉलेज को दिख रहा है, देन वो श्योरली आके बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इन जनरल थोड़ा सा कम एफर्ट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम, बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। सारे पॉइंट्स तो मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया है। टेक फेस्ट फेब्रुअरी मार्च के टाइम में होता है, इवन सेमेस्टर 2nd, 4th, 6th या 8th ऐसा कुछ है, और फाइनल ईयर इसमें टेक फेस्ट में पार्ट नहीं लेती है क्योंकि उनके एग्जाम्स वगैरह रहते हैं, गेट एग्जाम या जो भी हो, और
थर्ड ईयर जो है वही मेन कराती है, वही कल्चरल हेड वगैरह होती है सारी, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हेल्प वगैरह करते हैं। तो यही जीईसी बिलासपुर की कहानी है सारा। तो मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने पॉइंट कवर आपके लिए कर दिया है। टेक फेस्ट हो गया और टीचर्स, फैकल्टीज, ब्रांचेस, तो आप यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। तो भाई अब बात करते हैं भारत का भविष्य सेगमेंट के बारे में। भारत का भविष्य सेगमेंट हमारे चैनल का एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और आप इसे जवाब पाने की मेरी उम्मीद रहती है। तो भाई मुझे बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपने कुछ सीखा यहाँ पर, ये मुझे बताना। आपके कोई डाउट है जीईसी बिलासपुर से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, वो भी पूछ लेना नीचे कमेंट में। मेरे से जितना हो पाता है मैं करता हूँ यार, और इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट, एफर्ट्स मेरी ओर देते रहना, अपना अफेक्शन मेरे लिए बनाए रखना, और उससे ज़्यादा ज़रूरी अपना ध्यान रखना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।